हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं मालदीप। दोस्तों, मालदीप भारत के दक्षिण में तथा हिंद महासागर में स्थित एक बहुत ही छोटा देश है जो कई आइलैंडों से मिलकर बना है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको मालदीप की सैर कराते हैं। दोस्तों, मालदीप जो लगभग 1200 छोटे बड़े आइलैंडों को मिलकर बना है, जिसकी खूबसूरती देखने लायक होती है, लेकिन इन 1200 टापुओं में तकरीबन 200 टापुओं में ही लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस देश का कुल क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 298 वर्ग किलोमीटर में 95% हिस्सा पानी है, केवल 5% ही भूमि है जो कि रहने योग्य है। दोस्तों, इन छोटे से देश में लगभग 400,000 लोग रहते हैं। इस देश की राजधानी माले है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है, जो अपने रंग बिरंगी इमारतें और यहाँ की खूबसूरत मस्जिदों के लिए यह जगह पूरी दुनिया में विख्यात है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में लगभग 96% लोग मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर साक्षरता की बात की जाए तो इस देश का साक्षरता रेट 98% है। दोस्तों, अगर इस देश की करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी हमारे भारत से लगभग 4 गुना मजबूत है। दोस्तों, यहाँ पर मालदीप रुपया चलता है, जो कि 1 मालदीप रुपया बराबर भारत का 4 रुपया INR के बराबर होता है। दोस्तों, मालदीप में लैंड की कमी होने के कारण यहाँ पे ज्यादातर लोग बोट्स एवं एयर टैक्सी एवं एयरवेज का यूज करते हैं, जो कि यहाँ के लोगों को एवं टूरिस्ट एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड इसी के माध्यम से जाते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा एरोप्लेन होता है जो कि पानी में भी लैंड कर सकता है। दोस्तों, जब आप मालदीप जाओगे तो प्लेन से ही इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। दोस्तों, मालदीव का सी बीच पूरी दुनिया में विख्यात है, क्योंकि इनका कलर बहुत ही लाजवाब होता है। जहां कम गहराई वाले पानी में यह नीले कलर का दिखाई देता है, वहीं डीप गहराई पानी में यह डीप ब्लू कलर दिखाई देती है। साथ ही यहां पर दूध की जैसे सफेद रेत की चादर मानो पानी में घुलती हुई नजर आती है, जिसके कारण से यहां के टापुओं की खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है। दोस्तों, यहाँ पे पानी में तैरता हुआ उडेन 5-स्टार रिजॉर्ट पूरी दुनिया में विख्यात है, जहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर बहुत ही एक खुशनुमा एहसास लेके जाते हैं। दोस्तों, कपल्स के लिए तो यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ पूरे विश्व से पर्यटक यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आते हैं। यही कारण है कि इस देश को परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, मालदीव दुनिया का सबसे निचली हिस्सा में बसा हुआ देश है, जो कि समुद्र तल से ओनली 2.5 मीटर ही ऊंचा है, जिसके ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा खतरा इसी देश को ही है। दोस्तों, मालदीव का आइलैंड बहुत ही मनमोहक और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का कलकल करता हुआ कांच की तरह समुद्र का पानी और यहाँ पे मौजूद शानदार रिजॉर्ट दोस्तों आपको किसी सपनों की दुनिया में ले जाएगा। यहाँ का सौंदर्य देखकर आपको महसूस होगा कि आप किसी दूसरे दुनिया में आ गए हो। दोस्तों, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों का पर्यटक के प्रति रुझाना बहुत ही मनमोहक है। यहाँ के लोग पर्यटकों का सादर सत्कार बहुत ही मनमोहक तरीकों से करते हैं, जिससे हर कोई देख के दीवाना हो जाता है। दोस्तों, मालदीप को टूरिस्ट के लिए सबसे सेफ जोन भी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ घूमने और देखने लायक बहुत सा आकर्षक जगह है, जैसे कि हल हमाले आइलैंड, बादू आइलैंड, फिल होइल आइलैंड और भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही मनमोहक है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पर आप ग्रैंड फ्राइडे मस्जिद, माले नेशनल म्यूजियम, सुनामी मॉन्यूमेंट, साथ ही आप समुद्र में कई एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटर ड्राइविंग, अंडर वाटर स्कूटर राइड, स्कूपा डाइविंग, कैंपो पैडलिंग। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आइलैंडों में 10,000 से भी ज्यादा प्रजाति की रंग बिरंगी मछलियां भी पाई जाती हैं, जिसे आप वाटर ड्राइविंग करके एवं अंडर वाटर स्कूटर राइडिंग करके देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद आप बहुत ही अच्छी अनुभूति फील करेंगे। दोस्तों, साथ ही आप सी साइड में आलिशान होटल में बहुत ही कम रेट में लंच का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ यहां पर कपल्स के लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर सी बीच साइड में
आयोजित किया जाता है, जिसका रोमांच किसी भी कपल्स को पूरे लाइफ में मनमोहित कर देता है। दोस्तों कुल मिलाकर बोला जाए तो आप अगर मालदीप आएंगे तो आप फील करेंगे कि आप किसी सपनों की नगरी में घूम रहे हैं, जहां पर केवल आपको शांति ही शांति महसूस होगी और समुद्र की हल्की हल्की लहरों का मीठी मीठी धुन सुनाई आपको देगा। दोस्तों मालदीप को समर वेकेशन के लिए सबसे बेस्ट जगह माना जाता है। दोस्तों अब रही खर्च की, तो मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप यहां पर 60,000 से 70,000 में एक सप्ते आराम से पूरे आइलैंड को घूम सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।